प्रेम की अवस्था का वर्णन श्री गुरु नानक देव जी ने वडहंस राग में कुछ इस तरह कहा, सुपने आया बी गया मैं जल परया रोए। मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा मेरे सपने में आया और चला गया, मैं रोया, जल भर के रोया, मतलब मैं बहुत रोया। आए न सका तुझकन प्यारे, पेज न सका कोए, मैं तुम तक आ भी तो नहीं सकता हूं क्योंकि सपने में आया है ना। अब जो सपने में दर्शन दिए हैं जिसने, उस तक मैं चल के कैसे जाऊं। आए न सका तुझकन प्यारे, पेज न सका कोए, और मैं तेरे तक किसी को भेज भी तो नहीं सकता हूं। किसको कहूं कि जा मेरे प्रीतम प्यारे को मेरा संदेशा दे दे, मैं उसके दर्शन फिर करना चाहता हूं। आए न सका तुझकन प्यारे, पेज न सका कोए, आओ सुपागी नींदड़िए, ऐ भागों वाली नींद तू फिर वापस आ मेरे नैनों में, ए नींद तू फिर आंखों में आ जा, के शायद मत सो देखा सोए, हो सकता है फिर से एक बार नींद में वही सपना आ जाए जिस सपने में मैंने अपने प्रीतम को देखा है। आओ सुपागी नींदड़िए, मत सौ देखा सोए, मोरी रुण चुन लाया, मोरी मोर, मोरों ने रुण झुन शोर कर दिया है, पैणे सावन आया, सावन आया मोर नाच रहे हैं, मोर का प्रीतम बादल है, बादल आ गए हैं, मोर खुश है और वो खुशी में नाच रहा है। मोरी रुण चुन लाया, पैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जे वडा, तिन लोभी लोभ लुभाया। मैं अपने नैनों से अपने प्रीतम का दर्शन करूं, मुंद कटारे, मुंदे मतलब सहेली, स्त्री, अगर मैं अपने नैनों से अपने प्रीतम को देखूं, तिन लोभी लोभ लुभाया, तो मेरे नैनों का लोभ और बढ़ जाता है कि मैं उसे और देखूं और देखूं, मेरे नैनों का लालच बढ़ जाता है। तेरे दर्शन विटो खनिए बन जा, तेरे नाम विटो कुर्बानो, तेरा दर्शन मिल जाए ना तो मैं अपना आप गवा दूं, मिटा दूं, मर जाऊं। तेरे दर्शन बिटो खनिए बन जा, तेरे नाम बिटो कुर्बानो, और अपने प्रीतम के नाम पर मैं तो मर जाऊं, अपना आप वार दूं मैं, तेरे नाम बिटो कुर्बानो। जा तू तो मैं मान किया है, तुद बिन के हा मेरा मानो, तू है मेरे प्रीतम प्यारे तो मेरे में कुछ मान है, और अगर तू ना हो मेरे जीवन में, मेरे पास तो मान भी कुछ नहीं है, मेरा मान भी तू है, मेरा सम्मान भी तू है। सतगुरु जी कहते हैं, चूड़ा पन पलंग सियो मुंदे, सण बाही सण बाहा। अब ये थोड़े से पंजाबी के शब्द कुछ आ रहे हैं, मैं उसको वर्णित कर दूं। चूड़ा आप समझते हैं, ब्याह जब होता है तो स्त्री पहनती है, लाल सफेद चूड़ा। अब यहां एक उदाहरण सतगुरु जी सुहागन का दे रहे हैं जिसकी बाहों में चूड़ा है। चूड़ा पन पलंग स्यो मुंदे, मुंदे माने ए स्त्री, सण बाही सण बाहा, तू अपनी चूड़ों चूड़े से भरी हुई बाहों को पलंग की बाही के ऊपर मार दे, माने तोड़ दे अपनी बाहें और तोड़ दे अपना चूड़ा। चूड़ा पन पलंग स्यो मुंदे, सण बाही सण बाहा, एते वेश करेंदिये मुंदे, सह रातो अवराहा। तूने इतना श्रृंगार किया, तूने इतना श्रृंगार किया, एते वेश, इतना वेश तूने सुंदर बनाया, पर तेरा पति ने तेरे से मुंह मोड़ लिया है।
सौ रातों, तेरा सौ तेरा पति उसने अपना मुंह अवराहा, दूर हो गया है वो तेरे से, तो तेरे इस श्रृंगार का क्या फायदा, तोड़ दे, बाहों सहित तोड़ दे इसको। नामनियार न चूड़िया ना से वंगड़िया, जो सह कंठ न लग गया जलन से बाहड़िया। सतगुरु जी कह रहे हैं इस सुहागन ने मनाने की कोशिश करी, साहेब माना नहीं, ना मनियार ना चूड़िया। उसने बाहों में चूड़ियां पहनी थी, बाहों में कड़े पहने थे, वंगड़िया मतलब कड़े पहने थे, कड़े और चूड़ियां वाली बाहों के साथ उसने मनाना चाहा अपने पति को, लेकिन पति माना नहीं। कहते ऐसी बाहों को तो जल जाना चाहिए जो पति के गले में ना पड़े। अब देखिए ये उदाहरण जो सतगुरु दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि औरत श्रृंगार करती है अपने पति के लिए और अगर पति उससे नाराज हो तो उसका श्रृंगार व्यर्थ जाता है। ऐसे ही एक भक्त एक साधक जप करता है, तप करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, लेकिन ये सब करके भी अगर अहंकारी हो गया तो परमात्मा रूप पति कभी रिझेगा नहीं, तो तुम्हारे जप का क्या फायदा फिर, तुम्हारे तप का फिर क्या फायदा, तुम्हारे आसन प्राणायाम करने का क्या फायदा, तुम्हारे माला जप का क्या फायदा अगर परमात्मा तुमसे खुश नहीं हुआ तो। जिस संत महात्मा की सेवा में तुम हो, अगर तुम्हारी साधना को देख के संत का हृदय खुश नहीं हुआ तो तेरी साधना का क्या फायदा फिर, झूठी हो गई साधना तो, बिल्कुल झूठी हो गई। मुझे याद आती है कहानी मैंने पढ़ी थी, व्यंग है। एक माता एक संत के डेरे में जाया करे, महात्मा के आश्रम में जब जाती तो वो सब्जी उगाती थी और मूलियां बहुत सारी हो गई, तो उसको लगा चलो संत जी के मूलियां दे आती हूँ मैं, तो उसने एक मूलियों का एक गठड़ी सी बनाई, टोकरी बनाई और जाकर के वहाँ उनको चढ़ा आई कि लो महाराज मूलियां खाओ, आप सेवा में आपके लाई हूँ मैं। जिंदगी में कभी कुछ दिया नहीं किसी को, जिंदगी में कभी कोई दान नहीं किया, जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया, बस एक ही बार वो मूलियां दे आई। फिर कहते हैं समय आया उसके मरने का, प्राण पखेरु निकलने लगे, तो पाप कर्म पुण्य कर्म सब जीवंत हो गए, तो पहले तो पाप कर्म खड़े हो गए जो उसे दुख और नरक में ले जाने को तैयार थे। फिर इतने में कहते जो मूलियां उसने दी थी ना, वो मूली वापस प्रकट हो गई उसके सामने और बड़े आकार में, और वो मूली कहती है तू मुझे पकड़ ले, मैं तुझे सीधे स्वर्ग लेके जाऊंगी। किए हुए सारे पाप छोटे हो गए, पुण्य बहुत बड़ा हो गया। उस औरत ने फट से मूली को पकड़ा। अब कहते हैं मूली उड़े, क्योंकि आकाश में है ना कहीं स्वर्ग, तो मूली उड़े और ये माता भी उड़े। किसी ने आवाज मारी देखो देखो माता स्वर्गों को चली, तो झट से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, दूसरे बंदे ने इसका पैर पकड़ लिया, तीसरे ने उसका पकड़ लिया, चौथे ने उसका पकड़ लिया, पांचवे ने, तो मूली उड़ रही है साथ साथ में लोग भी उड़ रहे हैं, सब स्वर्गों को जाने की तैयारी हो गई। स्वर्ग का गेट आने ही वाला था, चमाचम गेट सामने दिख रहा था। इतने में माई की नजर पड़ी तो नीचे उसका पैर पकड़े हुए लाइन लगी पड़ी है धरती तलक, लोग ही लोग, लोग ही लोग सब। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, कहती मूलियां मैंने खिलाई थी, तुम कहां साथ में आ गए हो। तो बात बोलते हुए उसको आदत थी हाथ खोल के ऐसे, तो हाथ खुल गए, कहती मूलियां मैं खिलाई थी, तुम कहां आ गए हो। मूली छूट गई, माई वापस आके धरती पे गिर गई, माई भी गिरी बाकी बंदे भी गिर गए। आदमी पुण्य कर्म करे
पुण्य का अभिमान करे कोई फायदा नहीं, दान करे अभिमान करे कोई फायदा नहीं, जप करे अभिमान करे कोई फायदा नहीं, आसन प्राणायाम करे फिर अभिमान करे कोई फायदा नहीं, गीता उपनिषद याद कर लिए पर अभिमान करे कोई फायदा नहीं। ये श्रृंगार होते हैं भक्त के। पर जैसे स्त्री का श्रृंगार तब अच्छा जब उसको उसका पति प्यार करे, और अगर पति प्यार ही ना करे तो उसका श्रृंगार व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही साहेब कहते हैं, तूने जप तप साधन अभ्यास के सारे श्रृंगार, ये चूड़ियाँ ये कड़े साधना के तूने जो पहने, पर तेरे अभिमान के कारण पति परमात्मा ने तुमको बिसार दिया है, तो बोल क्या फायदा तेरे इस श्रृंगार का। सब सैया सौरावण गईया हो दादी कह डर जावा, मेरे जैसी मेरी दूसरी सहेलियां सब अपने पति के साथ खुश हैं, मैं जो जल रही हूं वियोग में मैं कहां जाऊं। अम्माली हो खरी सुचज्जी तह सह एक न पावा, मैं ए प्यारी सहेली अपने आप को बहुत सुचज्जी मतलब बहुत समझदार समझती थी, पर मेरे प्रभु को तो मैं प्यारी ही नहीं लगती हूँ, कहाँ जाऊँ मैं कहाँ। माठ गुंदाई पट्टियाँ पर ये मांग सिंदूरे, अब ये फिर औरत के श्रृंगार की बात कर रहे हैं कि मांग बनाई, बालों के बीच में चीर निकाला, मांग बनाई, गुंधाई, बालों को गूंध लिया, बीणियां बना ली, मांग में सिंदूर डाल लिया, लेकिन आगे गई तो पति ने स्वीकार नहीं किया, मरो बिसूर बिसूरे, अपने इस दुख में वो जल जल के मरती है। मैं रोवंदी सब जग रुन्ना रुन्नड़े वनों पंखेरु, मैं वियोग में रो रही हूँ, मेरे साथ साथ जंगल भी रो रहे हैं, जंगलों के पक्षी भी रो रहे हैं, इक ना रुनड़ा मेरे तन का बिरहा, पर मेरे अंदर जो प्रेम का रोना आना चाहिए था वो आज भी नहीं आ रहा है। जिन्हों पिरों बिछोड़ी, जिसकी वजह से मैं अपने पति से परमात्मा से मैं बिछड़ी हूँ, अलग हो गई। माने आदमी जप कर लेता है, तप कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर प्रेम नहीं कर पाता है। जप किया तप किया पर प्रेम न किया तो परमात्मा रूप पति से मिलाप कभी नहीं हो सकता है। तो वो अर्ज करते हैं, पूछते हैं, तय साहिब की बात जे आखे, जो मुझे मेरे साहिब की बात सुनाए कहो नानक क्या दीजे, ए नानक मैं उसको क्या दूं, शीश वडे कर आसन दीजे, अपना सिर काट के दे दूं, मतलब अपना अहंकार छोड़ दूं, शीश वडे कर आसन दीजे, बिन सिर सेव करीजे, बिना सिर के मैं उसकी सेवा करूं, क्यों न मरीजे, जीड़ा न दीजे, मैं मरता क्यों नहीं, मैं अपना जी मैं अपना दिल प्यारे को देता क्यों नहीं, क्यों नहीं देता, जासो पया विडाना, जिस प्रेम के अभाव में प्रभु परमात्मा ने मुझको अपने से दूर कर दिया है। शब्द है ये गुरु नानक देव जी महाराज का, सुपने आया भी गया मैं जल परया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे भेज न सका कोई, मैं तुझ तक आ भी नहीं सकता हूँ, तुझ तक किसी को भेज भी नहीं सकता हूँ, ऐ प्रभु प्यारे मैं आपका दर्शन कैसे करूं। ये शब्द एक यात्रा है, एक कहानी है उस भक्त की, जिसके अंदर अनमोल प्यार है अपने सद्गुरु के लिए, प्रभु परमात्मा के लिए।